हे गाइस, कैसे हो आप? सिमरन इंडस्ट्री में आपका स्वागत है। पर्जुअल केआर का जो 3.0 का अपडेट आना था वो आ चुका है अपने मोबाइल में। तो किस प्रकार से आप अपने पर्जुअल केआर के 3.0 को अपडेट को इंस्टॉल करोगे अपने मोबाइल में, मैं आपको डाउनलोड लिंक भी दूंगा, साथ ही साथ आपके मोबाइल में इंस्टॉल भी कराऊंगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लास्ट से जरूर देखें। यूट्यूब चैनल नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, बैच को ऑल भी कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। चलो अपन देखो, स्टार्ट करता हूँ। आपको कमेंट्स में जरूर बताना है कि आपको पर्जुअल केआर ज़्यादा पसंद है या फिर पबजी मोबाइल, तो आपको कमेंट्स में जरूर बताना है। सबसे पहले तो मैं आपको एक आसान मेथड बताता हूँ, डाउनलोड लिंक बता देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल का। तो सिंपली वहाँ पर क्या करना है, नीचे आपको एक ज्वाइन का बटन दिखाई देगा, सिंपली आपको ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको APK OPP देखने के लिए मिल जाएगी, pubgmobile.com, यहाँ पर 3.0 का अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा। सिंपली अगर आप थोड़ा सा लेट ज्वाइन करते हैं, मतलब एक दो हफ्ते के बाद आते हैं, तो सिंपली यहाँ पर ऊपर रोकल वाइटी ऊपर क्लिक कर देना है, मोर पर क्लिक कर देना है। मोर पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर पबजुअल पबजुअल के आर BGMI का जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ। तो सिंपली यहाँ पर आपको लिंक पर क्लिक करके सिंपली यहाँ पर आ जाना और सिंपली APK OPP दे रखे है, यहाँ से मैंने कहाँ से इसको डाउनलोड किया है वो भी मैंने यहाँ पर बताया हुआ दिखा रखा है। तो सिंपली यहाँ पर से आप इजीली कर सकते हैं, मैंने प्ले स्टोर से ऑफिशियल डाउनलोड किया हुआ है। दूसरी बात, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मोर के ऑप्शन चलते हैं, यहाँ पर APK कंबाइन कैसे करें इसकी यूट्यूब पर वीडियो भी डाल रखी है, तो सिंपली ये वीडियो देख के आप कंबाइन करना भी सीख सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि ना, बहुत से दोस्त होते हैं जो ये APK को इंस्टॉल करते हैं तो उनके में इंस्टॉल नहीं होता, उनके में एक प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई मैंने ये एंड्रॉयड 11 या 12 के डिवाइस से डाला हुआ है, तो क्या होता है कि उनके लोअर डिवाइस होते हैं, एंड्रॉयड 8 होता है, एंड्रॉयड 9 होता है, तो उनके डिवाइस में चलता नहीं है। तो उनके लिए क्या करना होगा, उन्हें प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होता है। दूसरी तरफ ये लोग भी होते हैं जो प्ले स्टोर को सेफ समझते हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उनके लिए मेथड बता देता हूँ। उनके लिए क्या मेथड है मैं आपको बता देता हूँ, सिंपली उसके लिए आपको एक VPN यूज़ करना पड़ेगा। आपको VPN यूज़ कर सकते हैं, तो सिंपली सबसे पहले तो आपको VPN यूज़ करना पड़ेगा, VPN कोई भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको पांडा VPN लाइट भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, मैं पांडा VPN लाइट यूज़ कर रहा हूँ। तो सिंपली इसमें आपको ना एक साउथ कोरिया का सर्वर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, VIP में जाओगे ना तो साउथ कोरिया का सर्वर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं, सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक करना है और एक ऐड देखनी है, ऐड देखने के बाद ये आपका कनेक्ट हो जाएगा। पांडा VPN लाइट में आपको वो ऐड देखने के बाद सिंपली आपको उस सर्वर को कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद सिंपली आपको बात ध्यान रखनी है, आपको साउथ कोरिया जापान का सर्वर चाहिए होगा। इसके बाद सिंपली आपको प्ले स्टोर की जो सर्च हिस्ट्री होती है उसको डिलीट करने के लिए क्लियर डाटा करना होगा प्ले स्टोर का। तो सिंपली क्लियर डाटा करने से आपके पास सिंपली प्ले स्टोर की सर्च हिस्ट्री डिलीट होती है। हिस्ट्री डिलीट होने के बाद सिंपली आपको प्ले स्टोर ओपन करना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको, तब क्यों लगेगा, क्योंकि जो प्ले स्टोर की सर्च हिस्ट्री डिलीट करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग टाइम लेता ही है, ठीक है, रिफ्रेश का टाइम लेता है। अभी तक आपने मेरे को कमेंट में बताया नहीं है कि ना भाई आपको पबजी किया ज़्यादा पसंद है पबजी मोबाइल, और प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा और मैं आपको 100% ऐसे जनरल कॉन्टेंट देता रहूँगा। तो सिंपली देखिए, मेरा जो प्ले स्टोर है वो ओपन होना स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सिंपली यहाँ पर देखिए, मेरा प्ले स्टोर ओपन हो चुका है। सिंपली यहाँ पर देखिए, मेरे को इंडिया की थोड़ी बहुत गेम दिखाई दे रही है, यहाँ पर BGMI भी दिखाई दे रही है। तो सिंपली आपको क्या सर्च क्या करना है, यहाँ पर आपको ना अपना जो जीमेल है उसको स्विच कर लेना है। स्विच करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, मेरे को कोरियन की गेम्स थोड़ा बहुत दिखाई देने लग गई है, कोरियन गेम मेरे को PUBG भी दिखाई दे दी है। तो सिंपली यहाँ पर आपको सर्च बार में जाना है, सर्च बार में जैसे जाओगे यहाँ पर आपको PUBG KR सर्च करना है। PUBG KR जैसे आप सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको PUBG KR है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको PUBG KR देखने के लिए नहीं मिलेगा, PUBG देखने के लिए मिलेगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, ये मैं आपको बताना चाहता था, नहीं देखने के लिए मिलेगा, सिंपली आपको अपने गूगल में आना है। गूगल में आ जाने के बाद सिंपली आपको क्या सर्च करना है, pubgkr.com, ये आपको सर्च करना होगा अपने गूगल पे। तो सिंपली आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने pubgkr.com सर्च कर दिया, तो यहाँ पर आपको जैपनीज लैंग्वेज कुछ लैंग्वेज में देखने के लिए मिलेगा। ये PUBG KR की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो सिंपली आपको PUBG KR की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। आ जाने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर प्ले स्टोर का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ऐप स्टोर प्ले स्टोर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, सिंपली प्ले स्टोर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने का सिंपली यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर आपका अपडेट का ऑप्शन भी शो हो गया है, और यहाँ पर मैं अबाउट सेक्शन में जाकर गेम का दिखा देता हूँ कि यहाँ पर कौन सा अपडेट देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.0 का अपडेट है, सिंपली यहाँ पर सिंपली आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है और सिंपली आपका अपडेट हो जाएगा। अगर वीडियो जस्ट है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, पूरे आपका बहुत बहुत धन्यवाद गाइस, बाय बाय गाइस, मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए।